तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने समोसे लिए हैं और ये कितने यम्मी दिख रहे हैं। मैंने यहाँ दो चटनी ली है, एक हरी और एक खट्टी मीठी, और ये खाने के लिए तैयार हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजलि, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो आज फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं समोसे, जो कि बहुत अच्छा और टेस्टी हमारा स्नैक है और जिसे हर घर में खाया जाता है फ्रेंड्स। तो आज मैंने बनाए हैं समोसे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है फ्रेंड्स। उसमें मैंने ट्विस्ट ये डाला है कि मैंने वो समोसे फ्रेंड्स मैदे की जगह आटे के बनाए हैं, और आटे के फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेस्ट बिल्कुल भी बदला नहीं है। आटा डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मैं तो ये कहूँगी आपको कि समोसा जो हम मैदा का खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी आटे का बना हुआ था। और ये आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि छोटू जज भी यही कह रहा है कि जो मैंने मैदे के समोसे खाए थे उससे टेस्टी ये समोसा है, और बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है। तो आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी मेरे वीडियोज़ के आगे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि उनको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आते रहें। और हम तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कैरी ले लिए, जो हमने सुखा के इसको रख लिया था, तो ये सूख गई थी, ये कैरी सूखी वाली कैरी है, ये यानी कच्चा आम है जिसको मैंने सुखा लिया था। अब क्या कहते हैं, मैंने इसको क्या किया, उबालने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसे नाइट में भिगा के रख सकते हो, और इसको वो कर सकते हो, मतलब मिक्सी में चला सकते हो। जैसे मैं गलाना इसको भूल गई थी, इसकी वजह से, मैं जल्दी बनाने की वजह से इसको मैंने उबाल लिया है फ्रेंड्स कुकर में डालकर। तो ये उबल गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची काट लेते हैं फ्रेंड्स। एक ही हरी मिर्ची डालने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने ले लिया है जीरा और लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, ये मैंने एक एक चम्मच तीनों डाल दिए हैं। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसे बंद करके एक बार चला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बलियारी यानी सौंफ, जो हम लोग हिंदी में सौंफ बोलते हैं और गुजराती में बलियारी बोलते हैं। तो ये मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम कैरी की चटनी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो अगर हम ये सौंफ डाल के बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सौंफ के साथ चटनी। तो अब हम इसे बंद करके एक बार और चला लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कल एक चटनी बनाई थी इमली की, तो वो चटनी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो हम उसको भी उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चटनी मैं मिला लूँगी, और इसको हम खट्टी मीठी चटनी बनाने वाले हैं। तो खट्टी तो इमली से हो गई, और ये वाली कैरी की थी तो कैरी की हो गई। अब हम इसमें चीनी डाल के उबालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके यहाँ पर मैंने चटनी बनाने के लिए रख दिए। अब इसमें हमने सारा मसाले पहले से ही ऐड कर रखे थे, तो अब हम सिर्फ इसमें चीनी डाल के इसको उबालने रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है, तो वो मैंने 10 से 12 चम्मच चीनी ले ली थी, तो वो मैंने डाल के मिक्स कर ली है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो थोड़े थोड़े आपको वो दिख रहे होंगी गुठलियाँ सी दिख रही होंगी, उसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। उसको अच्छे से फेंटना पड़ेगा, तो वो अच्छे से फेंट लेंगे, तो फिर वो जो गुठलियाँ दिख रही हैं आपको वो नहीं दिखेंगी, और अब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे गैस को ऑफ कर लेते हैं, चीनी हमारी मिक्स हो गई है, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे दूसरे बर्तन में करके, तो ये अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चटनी बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने धनिया ले लिया है बहुत सारा, और उसको हमने इसमें जार में डाल दिया है, उसी जार में उसको खाली करके। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया था, 2 टेबल स्पून फ्रेंड्स मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, 1 टेबल स्पून फ्रेंड्स जीरा भी डाल देंगे इसमें। अब फ्रेंड्स इसे बंद करके थोड़ा सा पानी डाल के
चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चटनी बनके तैयार हो गई है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें दो चीज़ और डालना भूल गई, नमक और हरी मिर्ची भी डाल के मैंने इसको बना दिया है। अब इसमें नमक मैंने दो तरह से डाला है, एक काला नमक भी डाला है और एक सफ़ेद नमक भी डाल, मतलब नॉर्मल नमक भी डाला है। तो दोनों तरह से नमक डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी अपनी चटनी बन चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया है, थोड़े से आलू मैंने बॉईल करके रख लिया है यहाँ पर मैंने। अब इनको हम मैश कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने सफ़ल्ड मटर है जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया था, ये काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गई है देखिए। तो अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे और इन्हें मैश करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल हमारा, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है तो अब हम इसमें थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज मैं फ्रेंड्स बचा के रखूँगी। और इसे बस वही थोड़ा सा होने दूंगी, मतलब थोड़ी पक जाने दूंगी इसको, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक ही पकाऊंगी इसको मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज है वो हो चुकी है, मतलब पक गई है थोड़ी सी। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स हल्दी थोड़ी सी, एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, आधी चम्मच फ्रेंड्स हम लाल मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम गरम मसाला डाल के इसी मसाले को भून लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो आलू हमने बॉईल करके और जो अच्छे से मैश कर लिए थे उसको हम डाल देंगे। गैस को थोड़ा कम कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने मटर, सफ़ल मटर रखी थी वो भी हम डाल देंगे। और ये फ्रेंड्स मैंने हरी मिर्ची और धनिया को भी काट के रखा था, तो जो वो भी मैं इसको डाल देती हूँ। और ये जो मैंने थोड़ी सी प्याज बचा रखी थी वो भी हम इसको डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लग रहा है ना फ्रेंड्स कलरफुल हमारा। आप चाहे तो इसमें और वेजीज भी काट के डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इतनी ही वेजीज डालने वाली हूँ। लास्ट में फ्रेंड्स हम नमक डाल देंगे, नमक स्वादानुसार है जितना आप पसंद करते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं काला नमक भी ऐड करूँगी इसमें। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब लास्ट में फ्रेंड्स हम लोग इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाए। आप चाहें तो कैरी पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि आमचूर पाउडर। मैं यहाँ पर आधा नींबू यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा नींबू था तो काफ़ी अच्छा इसमें रस निकल गया है। अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग है जो, अब हमारी स्टफिंग है वो पूरी तरह से तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है,
मैं आटे के समोसे बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने आटे को छान लिया है। अब ये सूजी है फ्रेंड्स, सूजी को भी हम छान लेंगे, क्योंकि सूजी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि उसमें क्रिस्पीपन और उसमें थोड़े क्रंची हो जाए, वो क्रिस्पी हो जाए, इसलिए हम इसको सूजी ले रहे हैं। और अब हम सूजी को भी छान लेते हैं अच्छे से। और मैंने ये सूजी मतलब इस रेसिपी में रखी है कि अगर मैंने आटा कितने परसेंट भरा, 20% 30% सूजी के रेशियो, आटे के रेशियो में तो फ्रेंड्स आटे के रेशियो में सूजी मैंने 20% ही ली है और बाकी का आटा है, तो हमें बहुत कम ही सूजी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। अगर हम बहुत ज़्यादा सूजी यूज़ करेंगे तो फिर वो सूजी जो है वो ऑयल पी लेती है, जिससे हमारे समोसे जो हैं वो ऑयली ऑयली हो जाएंगे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सूजी यूज़ नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सूजी ले ली थी, आटा लगा लेंगे फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर हम लोग डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और धीरे धीरे फ्रेंड्स पानी डालकर उसको अच्छा सा डो बना लेंगे उसका। तो फ्रेंड्स हम थोड़ी सी अजवाइन और डाल लेते हैं, क्योंकि समोसे में जब तक अजवाइन ना डले तब तक समोसे के मज़े नहीं आते फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बनता। तो हमने थोड़ा सा अजवाइन और डाल दिए, अब हम इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डो को तैयार कर लिया है और वो इस तरह से डो बन गया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर हम इसके लिए समोसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है जिसमें मैंने ऑयल डाल के रख दिया है, इसको हम गर्म करने रख देते हैं। तब तक फ्रेंड्स हम लोग समोसे तैयार करके रख लेते हैं, तब तक तेल गर्म हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बॉल बना लिया आटे का, उसको हम लोई बोलते हैं, तो उसको हम थोड़ा बेल लेंगे इस तरह से। गोल बेलो या चौकोर बेलो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम समोसे बनाने वाले हैं और समोसे तो तिकोने बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं, तो हम उसको ऐसे बीच में से काट लेंगे और इसके दो समोसे बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें इस तरह से इसको मोड़ के रैप कर लेना है और उसे अच्छे से प्रेस करके दबा देना है, ताकि हमारा समोसा जो है सेकने के टाइम पर बिल्कुल भी खुले ना। अगर वो खुलेगा तो फ्रेंड्स सारा का सारा जो उसमें जो स्टफिंग होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो हमको सिर्फ अच्छे से उसे प्रेस करके बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा ये जो कॉर्न है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो हम ले लेंगे थोड़ी सी और इसमें डाल के बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा समोसा बनके तैयार हो जाएगा और अब हम इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चार समोसे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे ऑयल में डाल के सेक लेते हैं, तल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी गैस के पास। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, और थोड़ा देखने के लिए फ्रेंड्स हम एक छोटी सी गोली बना के डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डाल देते हैं अपने समोसे। फ्लेम को हमने हाई रखा था फ्रेंड्स, थोड़ी देर होने देते हैं, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसके बाद हम धीरे से उनको पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारे समोसे हैं वो ऊपर
तैरने लगे हैं तो वो एक साइड से हो गए हैं, उनको थोड़ी दूसरी साइड से और उनको पलट के सेकना पड़ेगा। धीरे धीरे हम उनको पलट लेंगे। क्योंकि समोसे डीप फ्राई होते हैं तो इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे बिल्कुल बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं थोड़े क्रिस्पी भी हैं। आपको मैं आवाज़ भी सुना देती हूँ आपको। तो है ना फ्रेंड्स, क्रिस्पी। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें खा जाते हैं जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे तैयार हैं। अब हम इन्हें छोटू जज के पास ले चलते हैं। यहाँ मैंने हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी दोनों रखी हैं, लेकिन छोटू जज को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती थी इसको स्प्रेड करके अच्छे से दिखाती, लेकिन छोटू जज को चटनियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसे ही रख के ले जानी पड़ेगी। और हमारे पति देव कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो समोसे ले लिए हैं पति देव के लिए। उसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इस तरह से और उसमें डाल देंगे ये अपनी खट्टी मीठी चटनी, और ये भी हम डाल देंगे हरी चटनी। हरी चटनी थोड़ा ज़्यादा पसंद है उनको, तो थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। तो बस तैयार है इसे खाने के लिए। चलो छोटू जज, खा के बताओ कैसे बने। थोड़ा चटनी ला, खाओ प्लीज। कौन सी लगाई है? ओके, खाओ। चलो अच्छा, बिना चटनी के खाओ। कैसा बना है? बिना चटनी के तो मस्त होगा। कितना मस्त, बहुत सारा। अच्छा, आपके बर्थडे पे मैंने जो समोसे बनाए थे वो अच्छे थे कि ये वाले अच्छे हैं? ये वाले। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बर्थडे पर मैंने समोसे बनाए थे मैदा वाले, जो मीठू को थोड़े कम पसंद आ रहे हैं, यानी हमारे छोटू जज को बहुत कम पसंद आए हैं। ये वाले जो आटे के समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं छोटू जज को। तो अच्छा, छोटू जज खाता जा रहा है। तो अच्छा बताओ, पॉइंट्स कितने मिलेंगे मुझे? अरे बाप रे, इतने नंबर मिल गए मुझे। अब प्रेजेंटेशन यानी डेकोरेशन में Oh my God, 19 मिल रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें तो कुछ डेकोरेशन नहीं करने दिए, पर वो खा के ही मौज आ गई है छोटू जज को। तो चलिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोल दो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।